दोस्तों आप सभी ने बिग बॉस के बहुत सारे रोस्ट वीडियोस भी और रिएक्शन वीडियोस भी देखे होंगे, बट मैं इस बार कुछ नया लेके आया हूँ, बिग बॉस का भगवद गीता रिएक्शन। तो मैंने इस बार का बिग बॉस थोड़ा सा फॉलोअप किया, काफी देर तक चीजें देखी और मुझे भगवद गीता के कुछ पर्सपेक्टिव समझ में आए, तो मैंने सोचा क्यों ना ये पर्सपेक्टिव अपनी ऑडियंस को भी दिया जाए। ये नई वीडियो अच्छी लग जाए तो शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। शुरू करें। देखो बिग बॉस के अंदर होता क्या है कि काफ़ी 17-18 लोग जो डिफरेंट डिफरेंट लाइफस्टाइल के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स के माइंडसेट के लोग हैं, सडनली एक जगह आते हैं। कोई सोशल मीडिया नहीं है, कोई इंट्रैक्शन नहीं है फ्रेंड से फैमिली से, और एक बंद कमरे में रख दिए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति बचपन से कभी भी 24/7 100 दिन तक एक कमरे के अंदर या एक घर के अंदर बंद नहीं रहता। सडनली अगर वो ऐसे सिनेरियो में आएगा तो ये सोचना कि हर समय साधु की तरह शांत रहेगा, नॉट पॉसिबल। देखो साधु लोग सालों साल तपस्या करते हैं तो अपनी कॉन्शियसनेस को, चेतना को इतने हायर लेके आ जाते हैं कि वो किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होते। जैसे भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहता है कि सुख दुख बदलते मौसम के तरीके से हैं, जैसे कभी गर्मी आती है, बरसात आती है, फिर सर्दी आती है, वैसे ही ये सब चैलेंजेस भी आते जाते रहते हैं। पर साधु व्यक्ति जो होता है, इंटेलिजेंट पर्सन, वो हर परिस्थिति में सेम रहता है। तो भगवान ने ये बोला है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर व्यक्ति बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐसा होता है। वो प्रैक्टिस करता है बाय ध्यान योग, भक्ति प्रैक्टिस करता है, ज्ञान के आधार पे अपने आप को संतुलित करता है। पर ऑफकोर्स ये नॉलेज तो है नहीं सोसाइटी में, और ज़्यादातर एक्टर्स ये सब प्रैक्टिस नहीं करते। तो जब वो ऐसे इन्वायरमेंट में आते हैं और कुछ दिन तक तो कंट्रोल अच्छे से रहते हैं, सब अच्छा से रहते हैं, पर ग्रेजुअली दे लूज देयर सेल्फ कंट्रोल, दे लूज देयर कॉन्शियसनेस। कोई व्यक्ति पानी के पीछे भड़क जाता है, अब जितना वो कंट्रोल कर सकता था उसने कर लिया। कोई व्यक्ति किसी के पोक करने से बहुत ज़्यादा पोक हो जाता है, फिर वो गुस्सा हो जाता है। जब मैंने देखा बिग बॉस तो अजीब लगा, बट मुझे लगता है कि हम ठीक है, हमें किसी को बहुत ज़्यादा जज नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर 150 दिन मैं भी रहूँगा किसी बंद कमरे में तो कहीं ना कहीं गुस्सा निकलेगा, और किस पे निकलेगा, जो आसपास है। इसलिए ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा हेट नहीं करना चाहिए कि इसने ऐसी हरकत की, इसने ऐसी हरकत की, बट हमें खुद की भी कॉन्शियसनेस को, चेतना को, थॉट प्रोसेस को समय के साथ साथ हायर करना चाहिए, ताकि छोटी छोटी चीज़ों से पोक ना हो, प्रोवोक ना हो, राइट। तो बेसिक प्रिंसिपल भगवद गीता का ये है चीज़ों को देखने का, कि विपरीत परिस्थितियों में कई बार व्यक्ति बहक जाता है, भड़क जाता है, तो अगर उसकी कॉन्शियसनेस कंट्रोल नहीं है, हायर थॉट प्रोसेस नहीं है, देन वो लूज कर जाएगा खुद को। अब हम बात करेंगे बिग बॉस के दो केसेस का, जहाँ पे एल्विस यादव बहुत भड़क गए थे और उसने बेबिका को ऑफकोर्स कहीं और बैठे बैठे कुछ गंदे शब्द बोल दिए, और साथ ही साथ जिया शंकर का वो वाला केस जहाँ पर वो एल्विस यादव से इतनी चिढ़ गई कि उसने उसके पानी में साबुन घोल के पिला दिया। तो इस सिचुएशन को हम भगवद गीता से कैसे जज करें सो दैट हम वो गलती ना करें। तो भगवद गीता का सेकंड चैप्टर का 63 वर्स बहुत इंटरेस्टिंग बात कहता है, सुनेंगे। कहता है, क्रोध निर्णय लेने की क्षमता को छीन कर देता है, जिसके कारण स्मृति भ्रम हो जाती है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तब बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि जब बेबिका ने बोल दिया कि नहीं, ये तो नहीं जीत पाएगा, मेरी नज़र में ये विनर नहीं है, ऐसा कुछ हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। फिर सेम चीज़ उसको मनीषा ने बोल दिया कि हाँ तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, तो वो बहुत भड़क गया एल्विस यादव, बहुत भड़क गया, और उसने बहुत गंदे सब बोल दिए कि हाँ ये तो ऐसी है, मेरे वहाँ पर ऐसा है। ऑफकोर्स मैं एल्विस यादव को गलत नहीं बोल रहा, मैं बस बता रहा हूँ कि कई बार क्रोध आता है, तो ही हिमसेल्फ सेड कि वो एंगर इशूज़ है उसको, उसने बहुत कुछ बोल दिया। ऑल्सो उसको इमीडिएट रिग्रेट हुआ कि यार ये क्या बोल दिया, कि मैं यार जोश में क्रोध आया, फिर सोचने समझने की एबिलिटी खो गई, और मैं ये क्या बोल दिया, किसी लड़की के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बाद में सलमान खान ने उसको वो क्लिप भी दिखाई तो उसको वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में चला गया था। सेम चीज़ हुआ जिया शंकर एल्विस यादव, ऑफकोर्स वो रोस्ट करता है, मज़े ले रहा था, तो उसने जिया शंकर और अविनाश बहुत ज़्यादा भड़के हुए थे, तो जब जिया शंकर ने उसके पानी में साबुन घोल दिया और उसको पिला दिया, जब उसने पानी पिया तो उसको अजीब सा लगा, तो जब जिया शंकर ने बोला अविनाश से कि मैंने ऐसा ऐसा किया, तो अविनाश ने बजाय उसको डांटने के उस चीज़ को एंजॉय किया कि हाँ ठीक है बढ़िया। तो इससे क्या बोलता है कि देखो दोनों क्रोध में थे, आक्रोश बढ़ा, फिर उन्होंने एक्शंस लिए, उसकी जो इंटेलिजेंस है कि यार साबुन का पानी पॉइजनस भी हो सकता है, ही मे गेट सिक और बीमार पड़ सकता है, बट इतना इंटेलिजेंस ख़त्म हो गई। और उसके बाद क्या हुआ कि बहुत बड़ा पंगा हो गया, उसको इंटरनेट पे काफ़ी गालियाँ भी पड़ी, सलमान खान ने भी उसको डांटा कि ये नहीं करना चाहिए, और अविनाश को भी डांटा कि तुम्हें क्या हो गया, तुम भी नहीं बोल रहे, तुम भी इन्जॉय कर रहे हो।
तो भगवद गीता का ये श्लोक बताता है कि कई बार हम जब बहुत क्रोधित होते हैं ना तो हमारी इंटेलिजेंस बिविल्डर हो जाती है, सही गलत का फैसला नहीं ले पाते, और उसके बाद जब हम कोई एक्शंस लेते हैं वो एक तरीके से गलत हो जाते हैं कि यार बाद में हमें गिल्ट भी होता है कि यार ये क्या कर दिया। तो जिया शंकर से पूछा ऐसा क्यों किया, तो उसने जवाब दिया कि मुझे भी नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। तो भगवद गीता बताती है ऐसा तुमने क्यों किया, क्योंकि क्रोध से इंटेलिजेंस बुद्धि भ्रमित हो जाती है, तो उसका शिकार हो गया इसलिए आपने ये गलती करी। और हम बात करेंगे भगवद गीता के चैप्टर 3 का 21 वर्स। देखो यहाँ पे मैं सिनेरियो के बताता हूँ कि देखो हो क्या रहा है। अब एल्विस आर्मी के बहुत सारे फैन फॉलोइंग है, अभिषेक के भी है, मतलब हर एक इन्फ्लुएंसर की अपनी एक फ़ैन बेस होता है कि अगर उस इन्फ्लुएंसर को आप कुछ भी बोलोगे तो उसके जो फ़ैन फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो आपको गालियाँ देती हैं। तो यही हो रहा था कि मैंने देखा कि एल्विस की और अविनाश की आई थिंक शुरुआत में लड़ाई होती है, और होता क्या है कि एल्विस के जो फ़ैन हैं वो अविनाश के पेज पे जाते हैं, काफ़ी गाली गलौज करने लगते हैं, सिस्टम करके उसका पूरा इंस्टाग्राम हैंग कर देते हैं, और लिटरली उनको अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ता है। और एक अविनाश की बात करो, अविनाश की टीम फिर स्टोरी लगाती है कि हमें काफ़ी गाली आ रही है, डेथ थ्रेट तक आ रहे हैं, धमकियाँ आ रही हैं, अगर आप अपने फॉलोअर्स को कंट्रोल नहीं करते देन वी विल टेक एक्शन। ऑफकोर्स एल्विस को नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है, बट बाहर एक्चुअली ये तक हो गया। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि देखो भगवद गीता का एक श्लोक है चैप्टर 3 वर्स 21 कि व्हाट ग्रेट मैन डू कॉमन मैन फॉलोज। इसलिए भगवान भी जब संसार में आते हैं तो हर एक चीज़ को बहुत सोच समझ के करते हैं, क्योंकि जो वो करेंगे उनके भक्त भी वैसा ही करने लगेंगे, तो अपने आचरण से हमें सिखाना चाहिए। तो यहाँ पे एल्विस एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है नो डाउट, और करंटली बिग बॉस के बाद वो एक बहुत पूरा पैन इंडिया पॉपुलर हो गया है, ऑफकोर्स हिंदी बेल्ट में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो अब उसको ये समझना चाहिए कि सी व्हाट आई विल स्पीक व्हाट आई विल डू माई फॉलोअर्स विल रिपीट। तो मुझे अपने एक एक एक्शन को बहुत सोच समझ के करना चाहिए, मुझे सिर्फ अपने फॉलोअर्स नहीं बढ़ाने, जो मुझे फॉलो करते हैं एट द सेम टाइम मुझे उनको एजुकेट भी करना है, उनको अच्छी टीचिंग्स देनी है। मेरे हर एक एक्शन, अगर मैं मजाक में भी गाली देता हूँ तो मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो कॉपी करेंगे, ये तो भाई सिस्टम है। तो नाउ ही दिस इज़ द टाइम टू डू राइट एक्शन, सोच समझ के बोलना, सोच समझ के रिएक्ट करना, एक्ट करना, बिकॉज हर व्यक्ति फॉलो करने वाला है। और लास्ट वो श्लोका है तो भगवद गीता के सेकेंड चैप्टर का 47 वर्स। यू हैव राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। नेवर कंसीडर योर सेल्फ द कॉज ऑफ रिजल्ट्स ऑफ योर एक्टिविटीज एंड नेवर बी अटैच्ड टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी। देखो यहाँ पे हुआ क्या, जीतता तो 17-18 लोगों में से एक ही था, वो एल्विस यादव जीत गया, फिर अभिषेक है, मनीषा, ये सेकेंड और थर्ड रनर अप रहे, और फोर्थ बेबिका, फिफ्थ पूजा, ये जो आखिरी में बचे लोग थे। ये जो सेकंड चैप्टर का 47 वर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि देखो एनीवे एक ही जीतने वाला था, तो अब ये सोचना कि मैं नहीं जीत पाया ये आपको परेशानी करेगा। तो भगवान कहते हैं यहाँ पे कि एंड रिजल्ट पे हमें इतना फोकस नहीं करना चाहिए, अपने कर्म पे करो और जो प्रोसेस है उसको एंजॉय करना चाहिए। तो इट डजंट मैटर कि हु विन, इस मैटर्स की जब आपको आप आए हैं बिग बॉस में तो आपको ये कोशिश करना है जो लोग देख रहे हैं उनको एंटरटेनमेंट मिले, उनको एजुकेशन मिले और कुछ अच्छा सीखें जाएं, और मेरा एक अच्छा इम्प्रेशन पड़े। देखो जीता एल्विस यादव है बट फैन फॉलोइंग अभिषेक की भी बहुत बड़ी, मनीषा रानी की भी बहुत बड़ी और अदर्स की भी बहुत ज़्यादा बड़ी। तो मैं हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि ट्रॉफी मेरे पास आए, ये सोचना चाहिए कि जब तक मैं हूँ मुझे एक अच्छा इम्प्रेशन देना है, अपनी जर्नी को एंजॉय करना है, एंड लेट द डेस्टिनेशन डिसाइड कि क्या होगा, भाग्य में जो होगा वो मिल जाएगा, बट जो मेरा कर्म है मैं उसको अच्छे से करूँ बजाय जेलिस करके, किसी को कॉपी करके एंड सो ऑन। तो ये था मेरा भगवद गीता पर्सपेक्टिव बिग बॉस का, जहाँ पे मैंने आपको 5 श्लोका से बिग बॉस के सिनेरियो को समझाया। आई होप आपको अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल नया है बट पोटेंशियल बहुत है। थैंक यू सो मच, नमस्ते।